नमस्कार। सो MBBS 2023 इंडिया एडमिशन्स या टोटल एडमिशन्स को लेके आप लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत फ़ोन आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं कमेंट्स सुनता हूँ कि सर जो आप कह रहे हो बस हम उसी को सुनेंगे, उसी को मानेंगे। और मुझे लगता है कि शायद जिस मिशन से मैंने आपके लिए काम शुरू किया था 7-8 साल पहले, वो सक्सेसफुल हो रहा है कि लोगों को सही जानकारी मिले और आपके पैसे कोई लूट ना ले आपसे, जो कि आपको पता ही है कि 95% एजेंट जो होते हैं, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 5% शायद मेरी तरह या हमारी तरह कंसल्टेंट भी हैं और वो कभी आपको गलत राय नहीं देंगे। तो लास्ट वीडियो को देख के थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे दूँ, और शायद मेरे ही सितंबर एंड के वीडियोज़ को देख के आप में से काफ़ियों ने उम्मीद जागी कि उनको सीट मिलेगी। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक MBBS एजेंट या काउंसलर नहीं हूँ, एजेंट तो खैर बिल्कुल नहीं हूँ, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। तो मेरी अपनी एक कॉमन सेंस लॉजिक कहता था कि भाई उस समय तो बल्कि मेरे दिमाग में 700-800 सीटें थी, लेकिन जब से उन्होंने राउंड 3 जो 1-30 सितंबर के बाद हुआ उसको खारिज कर दिया गया, और उसकी भी न्यूज़ अभी बताऊँगा जो कल ही आई है महाराष्ट्र से, तो पता चल रहा है कि फ़िलहाल तो 2000 के ऊपर सीटें ख़राब हो रही हैं। अब मैं बार बार आपको समझाता हूँ, देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, हर जो 2000 सीटें जिस भी प्राइवेट कॉलेज में हैं, तो एक तरह से 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है उन कॉलेजेस का टोटल। तो वो तो चाहते हैं कि भैया हमें सीट लेने दो। दूसरी तरफ जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो हरियाणा में UHSR जो आप खोलते थे, या BFUHS या UP, तो इन सबको बोलते हैं काउंसलिंग कमेटी। सब सरकारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम होता है काउंसलिंग कंडक्ट करवाना। एक कोर्ट है जो हम सभी जानते हैं, और एक NMC है जो एक बड़ी इंडिपेंडेंट सी बॉडी है जो द्वारका दिल्ली में बैठी हुई है, जो पूरा मेडिकल एजुकेशन को सुधारने या डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और चाहे वो अब्रॉड का उनका रूल हो, चाहे वो इंडिया का हो, वो सब वो लगाते रहते हैं। यही लोग जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और रिकॉग्निशन खारिज कर देते हैं कॉलेजेस की, जैसा कि इस साल चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पंजाब के साथ हो गया, या 2 साल पहले कुछ राजस्थानी कॉलेज के साथ, या इस साल भी एक बार किले सरस्वती उन्नाव या मीनाक्षी मेडिकल, इस तरह से। तो एक NMC एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब सच्चाई की बात यह है कि इस समय जो सबसे ज़रा अड़ियर रवैया है वो है NMC का, और मुझे पता है कि छोटा सा बस दूंगा, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है फिलीपींस को लेके कि जो बेचारे बच्चे 2021-18 नवंबर से पहले गए थे, वो मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं, और वो बेचारे फंस गए हैं क्योंकि जब वो गए थे तो फिलीपींस में BS+MD होता है, और NMC ने सबको अलाउ कर दिया, लेकिन बस फिलीपींस के बच्चे बेचारे टक गए हैं जो 2021 सेशन में फिलीपींस गए थे, और 5000 बच्चे हैं ऐसे, और सेम उनका नुकसान किया जा रहा है जिस तरीके से ये MBBS इंडिया 2023 जो हम देख रहे हैं। तो इन सारी बॉडीज़ में ना देखिए, सबसे अड़ियल मुँह पे कह रहा हूँ है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, और जो उसमें कोई नया डायरेक्टर आ गए हैं पिछले 2-3 साल से, वो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई करप्शन का एंगल नहीं है, क्योंकि दुनिया तो उनको पैसे देना चाह रही है, वो ले नहीं रहे हैं, तो शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दुनिया बदलने वाले, देश बदलने वाले हैं, जो सही बात है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि फिलीपींस वाली मुहिम में तो मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट था जो फंसा हुआ बेचारा उन 5000 बच्चों में, लेकिन जो मेरी कमिटमेंट रहती है अपने एक एक स्टूडेंट के लिए, तो जहाँ भी उनके कोई धरने प्रदर्शन कुछ भी होता है, अभी वो 15-20 दिन पहले 3-4 अक्टूबर के आसपास जंतर मंतर में भी इकट्ठे हुए थे, मैं वहाँ भी गया था, वो आपने वीडियो देखा होगा चैनल पर, तो उस एक बच्चे के लिए मैं आज भी अपना समय लगा रहा हूँ और लगातार उसके बाद में वीडियोज़ बना रहा हूँ कि भाई पहले वाले बच्चे तो फंसी गए, पर जो बाद में जा रहे हैं वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, जो अब फिलीपींस जाने की सोच रहा है 2023 में, जो 22 में गया है। और मैंने बहुत वीडियोस डाले उनको वॉर्न करने के लिए, मेरा कोई फिलीपींस से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। सेम NMC, क्योंकि मैंने आपको 2 मिनट का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वही NMC का अड़ियल रवैया इस समय MBBS इंडिया एडमिशन्स को लेकर है। तो NMC का एक अड़ियल रवैया है, काउंसलिंग अथॉरिटी जो बंगाल का आप केस याद कीजिए, वो अपने बंगाल हाई कोर्ट गए, उन्होंने अलाउ कर दिया कि भैया आप 4th राउंड कर लो, जो याद कीजिए स्टे का नोटिफिकेशन आया था। बट NMC देखिए, वैसे NMC सुपरसीड करती है सबको, मुझे भी बता दूँ, क्योंकि पार्लियामेंट का जो एक्ट पास हो रखा है ना, तो अब कल महाराष्ट्र में वो जो प्रॉब्लम हुई कि जो लास्ट राउंड में इंस्टीट्यूशन लेवल पर वो जो ईमेल डाल के काउंसलिंग की गई थी उसको रद्द कर दिया गया NMC के लास्ट नोटिस से,
तो कल ही महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट करा है उन बच्चों को जिनको इंस्टीट्यूशनल राउंड से या ड्रेड कॉलेज में ईमेल डाल के वहाँ के क्यू कोटा के या अदर कोटा के अंतर्गत सीट दी गई है। तो वही बट अगर आप पूरा नोटिस देखेंगे तो फिर एनएमसी ने ये बोला है कि भैया हमने कर तो दिया है लेकिन अल्टीमेटली जो उसका वो है ओनस है वो इंटरिम रिलीफ है, मतलब वर्ड है एससी ग्रांट्स इंटरिम रिलीफ। और लास्ट में उन्होंने भी सब ये लिखा है कि भाई पिटिशनर ने तो ये बोला कि सर नोटिस आया था मैंने डाला, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने कोई गलती नहीं करी है, भाई जो स्टेट काउंसलिंग कमेटी थी कि भाई हमने तो कोशिश की थी सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग करने की हमसे नहीं हो पा रही थी दैट हमने वो कर दिया। लेकिन फिर से लास्ट लाइन क्या लिखी है कोर्ट ने कल वाले ऑर्डर में कि भैया प्लीज़ सीक मेडिकल एजुकेशन बॉडीज गाइडेंस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन डिस्पाइट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द कोर्ट द स्टेट वेन टू कंडक्ट, मतलब कि अब समझ रहे हो बात को, तो लास्ट लाइन फिर से वही डाल दी है कि इंटरिम रिलीफ मैं दे रहा हूँ जी लेकिन आप एक बार ज़रा एनएमसी से वो जो काउंसलिंग बॉडी है उससे बात कर लो क्योंकि काउंसलिंग बॉडी इज़ दी सुप्रीम अथॉरिटी। तो कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दिया है तो अब क्या करें। तो उससे कि फिर से जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं पता लोग कई बार ऐसे भी फ़ोन करते हैं और इस समय खासकर, और मैं हमेशा उनसे उल्टा सवाल पूछता हूँ जो मेरी पेड काउंसलिंग लेते हैं मुझे भाई 2500 रुपये दे के या दो तीन लोग तो मिलने भी आ गए पिछले 10 दिन में 5000 की फ़ीस लेके, हमने किसी से अपनी काउंसलिंग फ़ीस के 40000 रुपये नहीं पकड़े जो मैंने अपने लास्ट वीडियो सुने होंगे। और मैं सबको ये कहता हूँ कि जिस दिन मेरे को पता चलेगा कि डेफिनेटली जेन्युइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उस दिन मैं एक वीडियो डाल दूँगा और फिर आप जो मुझे फ़ीस दे सकते हैं। और इससे फिलहाल ये 2.5-5 देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो में सब समझा तो रहा हूँ, समझ लो कर लो। पहली चीज़ किसी भी एजेंट को पैसे मत पकड़ाइए जो 95% एजेंट है जो आपको फ़ोन करके प्रॉमिस, मतलब तो यही फ़ोन है ना कि सर एक बड़ा मशहूर एजेंट है जिसने बोला है कर्नाटका में होने वाला है गारंटी है शाम तक 15 लाख रुपये लगे मेरे ऑफिस आ जाओ, और बेचारे पहुँच भी गए और मुझे फ़ोन करते 2 दिन बाद मेरे वीडियो सुन के, और आप उसको फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं पिक कर रहा, ऑफिस जा रहे हैं तो रिसेप्शन में बिठा के भगा दिया जाता है और 15 लाख रुपये उसके बंदे के फंस गए। दिल्ली की ही बात है और 20 दिन हो गए जब इतना तो कर्नाटका ने चौथा स्पेशल राउंड करा नहीं। तो स्पेशल राउंड जब भी होगा ये मुझसे लिखवा लीजिए, कोई कॉलेज लेवल पे नहीं होने वाला, होगा तो उसके नोटिफिकेशंस आएंगी हम सबको पता चलेगा, और एक बार मुझे पता चल जाएगा ज़रूर मैं आप सबको बता दूंगा ब्रॉडली, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसी को देंगे जो हमारे क्लाइंट होंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको मुझे 5 लाख 15 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो 40000 भी लेने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि राउंड होगा कि नहीं होगा। 2000 सीटें ख़राब हो रही हैं श्योरली हो रही हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दुखी हैं श्योरली हैं, स्टेट काउंसलिंग बॉडी दुखी हैं श्योरली हैं, बट एनएमसी का बहुत अड़ियल रवैया है। अब आता है सेकंड स्टेप, तो कई लोग ना ये कहते हैं सर जल्दी से ही पता चल जाए, तो मैं कहा जल्दी से पता नहीं चला तो क्या है, व्हाट इज़ योर चॉइस बी। तो किसी ने बोला सर बच्चा ही बोलता सर फिर मैं तैयारी शुरू करूँ, कोई कहता है सर मैं अब्रॉड का सोचूँ, कोई कहता है मैं ड्रॉप करूँ, तो ये सबके लिए सलाह। तो भाई देखिए आप ये मान के चलिए, शायद मैंने कहा ना सितंबर एंड मैंने 80% का था, आज मैं कहूँगा शायद 20% चांस है कि राउंड होगा। दैट मींस जो इंसान अब्रॉड मतलब जो मैंने अभी जिक्र करा, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, फिलीपींस तो पक्का ही नहीं जाना है, लेट्स से अगर आप रशिया उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान वगैरह देख रहे हैं क्योंकि आप साल नहीं ख़राब करना। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ देखिए जो इंडिया में बच्चे को पढ़ाते हैं और बाहर भेजते हैं जलीरे वो मार्केट ही अलग होती है, क्योंकि इंडिया में मिनिमम बजट ही प्राइवेट कॉलेज का 80-90 लाख का पैकेज है, बाहर आपका सारा काम 30 लाख में हो जाता है, तो वो फैमिलीज ही अलग होती हैं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि जिसको यहाँ सीट नहीं मिलती वो बाहर जाता है, फिर भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली ना अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, जो भी आपका भरोसेमंद एजेंट है, हम भी वैसे वो काम करते हैं, उसको 10 लाख रुपये मत दीजिए। हमेशा एडमिशन स्टार्ट में ना 10-20-50000 रुपये लगते हैं, वो 10-20-50000 रुपये दे के आप अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिए ताकि वहाँ पर आपका एडमिशन लेटर आ जाए, आपकी इनविटेशन आ जाए वीज़ा का, क्योंकि बाकी फ़ीस तो तब देनी होती है, इतने में आपके 15-20 दिन निकल जाएंगे। और ये सलाह मैंने 20 दिन पहले भी दे दी थी, तो अब तो समझ लो आखिरी के 10 दिन बचे हैं, क्योंकि जो भी होना है वो मैक्सिमम 5 नवंबर तक होना ही होना है अगले हफ्ते में। तो भाई आप प्रोसेस शुरू कीजिए, मैं किसको मना कर रहा हूँ, और बस ये कि मोटी कमिटमेंट मत कीजिए, 10-20-50 हज़ार तक खर्चा हो जाता है कोई बात नहीं। और देखिए मैं फिर से सबको ये समझाता ही हूँ,
जनरली मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे जो लोग 80-90 लाख की आप सीट ले रहे हो तो राइट काउंसलिंग गाइड के लिए 2.5-5-40 हज़ार रुपये बड़ी चीज़ है क्या? क्या परसेंटेज है वो 80-90 लाख रुपए का? 10% भी नहीं है, 5% होता है ना हमारी फ़ीस। सिमिलरली मैं अब्रॉड के लिए भी कहूँगा, सिमिलरली देखिए मैंने नेपाल का सबको कहा था सितंबर एंड में, और फिर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ उसको लेके कि नेपाल में अभी तक वो जो तीसरी कंडीशन है NMC रूल की विच इज़ लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जब भी मैं नेपाल के वीडियो बना रहा था सितंबर, मैंने ये बोला क्योंकि नेपाल में कंडीशन है कि अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा जो उनकी MBC ने निकाला है एग्ज़ाम के लिए, जो नीट जैसा है, इंडियंस को पेपर ही देना होता है बट फॉर्म भरना होता है जिसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर थी, तो फिर आप नेपाल के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। बट दैट डजंट मीन कि आपको नेपाल जाना है जब तक हमारी सारी कंडीशंस फुलफ़िल ना हो जाए। तो मैं अभी एक अब्रॉड का अलग से वीडियो बनाऊंगा तुरंत इस वीडियो के बाद। तो भाई सिमिलरली मैंने लोगों से कहा था कि 10 हज़ार रुपये की बात है, 5 हज़ार रुपये का वो फॉर्म फीस है, 5 हज़ार रुपये हमारे चार्जेस है क्योंकि हमें वो लोकल नेपाल कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। हमने लोगों से सिर्फ 10 हज़ार रुपये मांगे, आप जैसे कई लोगों ने 2-2, 5-5 लाख रुपये भेज दिए, वो आपकी श्रद्धा है। और ये पर्पज़ था कि भाई 10 लाख रुपये, 10 हज़ार रुपये की बात है, आप सेफ हो गए कि नेपाल के लिए आपकी ऑप्शन खुली हुई है, पर नेपाल में तो एडमिशन ही दिसंबर में होने हैं, तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि नेपाल सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी आप जाना। सिमिलरली अब्रॉड में जाना है प्रोसेस शुरू कीजिए, मोटा खर्चा मत कीजिए, 10-20-30 हज़ार रुपये तक खर्च करके रखिए ताकि आप बिल्कुल तैयार रहें और अगले हफ्ते 10 दिन में क्लियरिटी मिल जाएगी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा तो अपनी बाहर गाड़ी पकड़ लीजिए। पर जिनको बाहर नहीं जाना है इन कंट्रीज़ में, रशिया वगैरह में, यूक्रेन में, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह में, और चाइना में, मैं देखिए जानबूझ के मैं फिलीपींस का नाम नहीं ले रहा, और जो ड्रॉप करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ बच्चों से, बच्चों पढ़ना शुरू करो, राइट, और पेरेंट्स तुम्हारे मेरे टच में हैं या अपने काउंसलर्स के टच में हैं, सीट तुम्हें मिल जाएगी तो ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे स्टूडेंट को श्री गुरु राम राय में 4th राउंड में सीट मिली है, थोड़ा सा वो हिम्मत हार चुका था, उसको क्लियर था कि मुझे 2-3 कॉलेज में ही जाना है, तो सीट मिलने के 10 दिन पहले आप समझ लीजिए उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। मेरी एक स्टूडेंट को IPU में लास्ट राउंड में सीट मिली है, लड़की है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप IPU का लास्ट राउंड का MBBS अलॉटमेंट देखेंगे, ये मैं बता आपको आइडिया दे देता हूँ, डिफेंस कोटा में उस बच्चे को सीट मिली है लास्ट में बिल्कुल। लेकिन चूँकि वो बच्ची को भी उम्मीद कम थी क्योंकि मार्क्स तो डिफेंस कोटा में तो कहे था भी नंबर तो 590 ही थे, तो वो 1.5 महीना पहले ही फुल फ्रेश तैयारी शुरू कर चुकी थी कोचिंग के बाद में जाके, और काउंसलिंग में और उसके पापा मिलके कर रहे थे, और लास्ट राउंड में सीट मिल गई, कोचिंग की किताबें साइड पे रखी, MBBS फर्स्ट ईयर की किताबें उठा ली, तो वो सब भी तो हो जाता है ना। और ये बिल्कुल लाइव केस है, आप देख लीजिए, लड़की अम्बेडकर गई है, ये बता दिया मैंने आपको, अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो BSA है रोहिणी में, लास्ट राउंड में सीट मिली है, IPU में मिली है, स्पॉट में मिली है जब DD लेके आना था, और डिफेंस कोटा में मिली है। इतना सिग्नल बहुत है, आप IPU की साइड देख के नाम भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो 1.5 महीना पहले पढ़ाई शुरू कर चुकी थी, क्योंकि जब पहले दिन ही पेरेंट्स मेरे पास आया, मैं कहा सर ऐसा है 50-50 चांस है और आपको सरकार ही चाहिए, तो मैं और आप मिलके काउंसलिंग करते हैं और बच्ची को पढ़ाई शुरू करो। बच्चे का पहले चांस था 12th 2023 में थी, तो इस तरह से स्ट्रेटजी बन जाती है। मैं तो किसी को कभी फॉल्स होप दिखाते नहीं हूँ लास्ट राउंड तक, इसलिए मेरा एक भी क्लाइंट नहीं है जो अभी तक खाली बैठा है जो शुरू से मेरे साथ जुड़ा था। अब नए नए जो आ रहे हैं जो अब दूसरों से धक्के खाए हुए, दूसरों से पछताए हुए कि भाई लोगों ने हमें लास्ट राउंड तक लटका के रखा, ये करा, हम तो अपने सब बच्चों को 3rd राउंड, हाँ 1st राउंड में मैं नहीं निपटाता, मैंने कई बार बोला है 1st राउंड में कोई भी सीट मिलती है, ऑप्टीमल सीट चाहिए तो आपको मॉपअप तक वेट करना होता है, मैं स्ट्रे में भी नहीं रोकता, अनलेस एंटिल को बच्चा बड़ा क्लियर था कि मुझे इन्हीं 4 कॉलेज में जाना है सर, नहीं तो मैं ड्रॉप करने को तैयार हूँ। तो बच्चे को समझना, फैमिली को समझना भी ज़रूरी होता है ना। तो मेरे 2 बच्चों को स्ट्रे में भी मिली है, बट वो दोनों फिर ऐसे थे कि उन्होंने खुद ही कहा था कि सर हमें यहीं 4 कॉलेज चाहिए नहीं तो हम ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है भाई, और सर इन्हीं 4 कॉलेज के लिए लास्ट तक हमारे ट्राई करो। बाकी सब बच्चों को हमने 3rd राउंड तस्वीर दिला दी, और अब जो मेरे पास आए हुए कुछ लोग वो हैं जो लास्ट में ही आए हैं सब खत्म होने के बाद, 2 अक्टूबर के बाद, जिनको बाकी एजेंटों ने मरवा दिया एक कॉलेज का कमिटमेंट करके 10 हज़ार रुपये पकड़ के और लास्ट में अधर में छोड़ दिया। एनीवे फिर से, तो भाई आप समझ गए, अगर आपको ड्रॉप करना है, अगर सीट ना मिले तो पढ़ाई शुरू करो, काउंसलिंग हम मिलके कर रहे हैं मैं और आपके पेरेंट्स, आपको अब्रॉड जाना है आप प्रोसेस शुरू करो, ये ज़रूर देख लेना कि वो NMC के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो कंट्री। किसी तीसरी कोर्स में जाना है, किसी का ये फ़ोन आया सर कि अगर पक्का आप बना कर दो तो मैं ना बायोटेक में एडमिशन ले लूँ, तो मैं कभी ले ले, मैंने भाई बोला मैं कभी ले ले बेटा छोड़ दियो फिर, तो अगर 15 दिन बाद
अगर ऑप्शन है। हाँ कुछ कुछ ऐसे रूल, अब ये मैं मानता हूँ कि भाई कि इंडिया में भी जो रूल है कि सर बायोटेक की मैंने फ़ीस दे दी तो वापस नहीं मिलेगी, तो मैं कहा यार फिर वो रिश्ते तो मैं लेना पड़ेगा। अब किसी का है सर मुझे अब्रॉड जाना है, तो मैं कहा अब्रॉड तो कौन सा कल चला जाएगा, अगर तू ये सोच रहा है कि यूके भी जाना है तो जैन इनटेक में जाएगा, कैनेडा जाना है तो मेन टेक में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाना है मिनिमम फाइव इनटेक में जाएगा, और तो भाई आज से तू काम शुरू कर दे, 10-20-25 हज़ार रुपये तुम्हारे खर्च होंगे। अगेन जिस भी तुम तुम्हारा जो भी कंसल्टेंट होगा या हम होंगे, हम स्टडी अब्रॉड भी करते हैं एज़ यू नो, सेंडिंग स्टूडेंट्स टू टॉप कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, कैनेडा, यूएस फॉर नॉन एमबीबीएस कोर्सेज में बाबा क्या, तो वी ऑल्सो डू एमबीबीएस अब्रॉड बाय सेंडिंग स्टूडेंट्स टू रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई कुछ भी हो जाएगा, लेकिन परेशान मत होजिए, और फिर से मेरी आप सबको सलाह है, पैसे मत फंसवाइएगा अपने, पैसे बर्बाद मत कीजिए, लाखों में किसी को मत दीजिए, ठीक है ना, और जो हो रहा है सबको पता चल जाएगा। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वीडियोस का माध्यम ये रहता है कि आपको मुझे फ़ोन ना करने पड़े, फ़ोन कीजिएगा तो देखिए फीस लेकर ही मैं बात करता हूँ। नंबर हमारा 9643362320, कुछ भी बात करने के चार्जेस होते हैं क्योंकि मेरा समय लिमिटेड है, कॉस्टली है। ये वीडियोस मैं आप सबके लिए इसलिए बनाता हूँ कि आप सबको हेल्प हो जाए, और मैं वीडियो में क्लियरली बोलूँ कि अगर आपके पैसे देने की इच्छा नहीं है तो व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन मत कीजिए। तो फिर भी आप करते हो, फिर हम पैसे मांगते हैं फिर आपको बुरा लगता है, तो भाई क्यों कर रहे हो फ़ोन। हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जितना वीडियो मैंने समझा दिया आपके लिए समझ गए आप, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और मुझसे पर्सनली बात करके समझना चाहते हो, तो फिर से भाई जहाँ 90 लाख करोड़ रुपये की सीटें ले रहे हो, एजेंटों को 10-10-20-20 लाख रुपये पकड़ा के आ गए, वहाँ पता नहीं 2.5-5 हज़ार रुपये देने में इतना क्यों सोचना पड़ता है आप लोगों को। वो आपकी चॉइस है, आपकी मैंटेलिटी है, बट मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ ना, हमें फ़ोन मत कीजिए। हम एज ए कंपनी कोई टेलीकॉलिंग नहीं करते, कोई आउटबाउंड कॉलिंग नहीं करते, किसी को व्हाट्सएप नहीं भेजते, किसी को SMS नहीं भेजते, किसी डेटाबेस को हम खरीद के कॉल नहीं करते, तो फिर हम कौन सा आपको फ़ोन कर रहे हैं जो आप ये कहो कि सर आप ही का फ़ोन आया था तो बात करो, आप ही तो हमें फ़ोन कर रहे हो ना, तभी फ़ोन कीजिए जब आप फीस देने को तैयार हो। ओके, हैव अ नाइस डे। संडे आज है 29 अक्टूबर, अगले 6 दिन आखिरी हैं। मेरी समझ कहती है अगले 6 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप जो भी आपके दूसरे एक्शन है वो शुरू कर दीजिए, और चाहे तो आज से भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।